सत श्री अकाल पंजाबी दुनिया टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आओ देखते हैं आज दियां खास खबरां। देखिए आज दिल्ली जल बोर्ड का एक अफसरों का डेलीगेशन यहां आया है राधा स्वामी ब्यास सत्संग, जहां पर 10,000 बेड की एक एशिया की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी बनाई जा रही है। और यहाँ पर हम सब ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के विभाग दिल्ली जल बोर्ड ने यहाँ कर ये सुनिश्चित किया है कि यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, मरीजों को साफ पानी, अच्छा पानी और रेगुलर पानी, अच्छे सप्लाई के साथ पानी मिलता रहा। यहाँ पूरी हाइड्रेंट डालकर जो व्यवस्था हमने बनाई है, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर से पानी यहाँ पहुँच रहा है और उसके तहत गंगा वाटर, एकदम उत्तम क्वालिटी का गंगा वाटर यहाँ सबको मुहैया कराया जाएगा। और उसी के साथ साथ 5 बार दिन में यहाँ पे वाटर क्वालिटी के सैंपल्स की जांच भी करी जाएगी कि साफ पानी तमाम मरीजों को, स्वास्थ्य कर्मियों को मुहैया कराया जाए। और पानी की व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के एक नोडल अफसर की जिम्मेदारी लगाई है। तमाम तरीके के जो कंप्लाइंसेज होती हैं वाटर क्वालिटी से लेकर वाटर सप्लाई तक, उसकी व्यवस्था यहाँ बनाई है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ पर साफ पानी, अच्छा पानी तमाम मरीजों को भी और स्टाफ को भी यहाँ पर अवश्य मिले। इसी के साथ साथ ये जो 10,000 बेड की फैसिलिटी बनने जा रही है, ये मुझे लगता है कि एक ऐसा जॉइंट वेंचर है जिसमें चार अहम पार्टनर्स की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चार पार्टनर साथ आकर काम कर रहे हैं, जिसके चलते इस कोविड केयर फैसिलिटी का सफल होना लगभग तय है। जो चार पार्टनर्स इस जॉइंट वेंचर में अहम भूमिका निभा रहे हैं वो हैं, सबसे पहले तो ITBP, हमारी भारतीय सेना। दूसरा है राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जिन्होंने ये पूरी फैसिलिटी हमें मुहैया कराई। तीसरा है दिल्ली सरकार, जो यहाँ पे तमाम तरीके की प्रशासनिक मदद और प्रशासनिक प्रबंध कर रही है। और चौथी है केंद्र सरकार, जो सहायता कर रही है। चारों अहम पार्टनर्स मिलकर इस जॉइंट वेंचर को चला रहे हैं और इस जॉइंट वेंचर का सफल होना लगभग तय है। और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मरीज आएंगे वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौटेंगे।